ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चुनावी साल में प्रवेश कर चुकी प्रदेश की राजनीति में अब सभी सियासी पार्टियों और पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्र की जनता को लुभाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके केकड़ी विधायक रघु शर्मा ने भी अब केकड़ी को जिला बनाने की अपनी पुरानी मांग को तेज कर दी है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार रिपीट करने की स्थिति में है और अगर जनता में कांग्रेस की एकजुटता का मैसेज गया तो हम चुनाव जरूर जीतेंगे। पार्टी आलाकमान की सब पर नजर है। साथ ही रघु शर्मा ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर भी जयपुर में बड़ा बयान दिया है जो कि काफी चर्चा में है। आपको बता दें बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान सीएम अशोक गहलोत से नए जिलों के गठन की मांग की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत पर एक बार फिर नए जिलों के गठन को लेकर दबाव बन गया है। रघु शर्मा ने केकड़ी को जिला बनाने की मांग सरकार के सामने रखी है। हालांकि केकड़ी को जिला बनाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन रघु शर्मा अब खुलकर इस मांग के समर्थन में आ गए हैं। भले ही इसे केकड़ी में राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जाए, लेकिन रघु शर्मा का तर्क है कि गुड गवर्नेंस और सरकार का मैसेज सही तरीके से पहुंचाने के लिए छोटे जिले बेहद जरूरी है। साथ ही रघु शर्मा ने कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा भी किया है और कहा कि बिना एकजुटता के कांग्रेस का जीतना संभव नहीं है। अगर जनता में यह मैसेज गया तो हम चुनाव जरूर जीतेंगे। पार्टी आलाकमान की सब पर नजर है। आज हम चुनाव जीतकर सरकार रिपीट करने की स्थिति में हैं। बता दें अपने सरकारी आवास पर बुधवार को मीडिया से बात करते हुए रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में नए जिले बनाने चाहिए और मांग के हिसाब से, क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं जयपुर जिला है, इतना बड़ा क्षेत्रफल हो गया है, 19 विधानसभा है इसमें। अलवर जिले में 11 विधानसभा है, नागौर जिले में 10 विधानसभा है, अजमेर जिले में 8 विधानसभा है और कोई विधानसभा क्षेत्र, कोई जिला ऐसा है जिसमें 3 विधानसभा है, 1.5 विधानसभा है, 4 विधानसभा है, 5 विधानसभा है। मैंने राज्यों का आंकड़ा निकाला, जो पड़ोसी राज्य हैं वहां की आबादी, वहां का क्षेत्रफल और वहां का पर जिला की आबादी वो कितनी हो सकती है। आज राजस्थान की आबादी 2023 के आंकड़ों के मुताबिक जो हमको उपलब्ध हुई है वो करीब करीब 8 करोड़ के करीब है, 7 करोड़ 95 लाख और 2000। इसके हिसाब से एक जिले में आबादी एवरेज अगर आप निकालो तो करीब करीब 24 लाख से ज्यादा की आबादी का एक जिला है अभी। पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने अपनी मांग के समर्थन में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के आंकड़े भी रखे और कहा कि मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखो आप, वहां भी 33 जिले हैं, वहां का क्षेत्रफल है 135,192 वर्ग किलोमीटर, हमारा क्षेत्रफल से आधा भी नहीं है, जिले हमारे बराबर है उनके, और वहां 9 लाख की आबादी पर एक जिला है आज। इसी तरह से गुजरात, वो एरिया में क्षेत्रफल वाइज हमसे 1.5 लाख किलोमीटर कम है, लेकिन गुजरात में भी 33 जिले हैं। इसी तरह से हरियाणा, वहां पे 13 लाख की आबादी पे एक जिला है। मध्य प्रदेश 55 जिले हैं, वहां 15 लाख की आबादी पे एक जिला है। रघु शर्मा ने आगे कहा कि मेरा ये कहना है कि राजस्थान में भी अब समय आ गया है जब मांग के हिसाब से और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए नए जिले बनाने चाहिए। 2008 से 13 के बीच में इसी तरह की मांग जब आई सामने, क्योंकि जिले बनाने की मांगें राजस्थान के अलग अलग अंचल से बहुत लंबी समय से चली आ रही है, तब मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने जीएस संधु के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, तब भी लोगों ने ज्ञापन दिए, वो टेन्योर पूरा हो गया, फिर 5 साल बीजेपी की सरकार रही, वो टेन्योर पूरा हो गया, अब गहलोत साहब की सरकार बनी, रामलुभाया कमेटी बनी, रामलुभाया कमेटी के पास भी बहुत सारे आवेदन पेंडिंग है विचारार्थ, सरकार बोल रही है कि उनकी रिपोर्ट नहीं आई। मेरी पहली मांग तो ये है कि चाहे जीएस संधू की कमेटी की रिपोर्ट हो,
चाहे रामलुभाई की कमेटी की रिपोर्ट हो, वो रिपोर्ट तत्काल सरकार मंगाए और जब मुख्यमंत्री जी जवाब दें विधानसभा में, उससे पहले ये तैयारी सरकार की हो कि हम राजस्थान में कुछ नए जिले बने जो मांग के हिसाब से और गुड गवर्नेंस के हिसाब से जायज मांग लगती है। इसके साथ ही रघु शर्मा ने सरकार रिपीट करने का दावा करते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि देखिए, जहां तक जनता का सवाल है, पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज है, जितने काम हमारी सरकार ने किए हैं। आम आदमी ये सोचता है कि ये सरकार रिपीट होनी चाहिए। आप सारी योजनाओं को देख लो, आप 25 लाख का बीमा, स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, 10 लाख का आपका एक्सीडेंटल बीमा, 1,000 रुपये किसान के खाते में, किसान का बिजली का बिल 100 यूनिट, आम उपभोक्ता का बिल 500 रुपये में गैस का सिलेंडर। मैं समझता हूँ कोई कसर छोड़ी नहीं है, जनता खुश है इस सरकार से। और सोशल सिक्योरिटी के दायरे में करीब 1 करोड़ लोग आए जिनका पेंशन बढ़ाई हमने, 1,000 मिनिमम पेंशन की है, तो एक एक आदमी को साधने की कोशिश की है, चाहे वो विधवा हो, परित्यक्ता हो, विकलांग हो, या और समाज का कोई तबका हो, किसान हो, नौजवान हो, किसी को बजट में जो रिलीफ मिल सकता है सबको देने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है, लेकिन आम आदमी तक ये पहुंचे कि सरकार के फैसले की जानकारी आम व्यक्ति तक पहुंचे, अब उसके लिए मैं समझता हूं कि प्रशासनिक अमले में कुछ नए जिले जुड़ने चाहिए। आगे रघु शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सालासर बालाजी में किए प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता एक दूसरे के प्रोग्राम फेल करने में लगे रहे। बीजेपी ने जानबूझकर 4 तारीख को जयपुर में प्रदर्शन रखा ताकि वसुंधरा राजे के जन्मदिन का प्रोग्राम फेल हो जाए। नाम युवा मोर्चे का था और उसमें नेता बुजुर्ग थे। शर्मा ने कहा कि बीजेपी के आपसी झगड़ों का स्तर यह हो गया है कि आप 3 बीजेपी नेताओं को एक मंच पर बैठाकर बता दीजिए। वहीं जयपुर में पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं का पहले शहीद स्मारक तो अब सचिन पायलट के सरकारी आवास के बाहर धरना जारी है। इस मामले में बीजेपी नेताओं के वीरांगनाओं के समर्थन में राज्यपाल को ज्ञापन देने पर रघु शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ी का एजेंडा अलग चलता है, उनका एजेंडा बीजेपी से अलग है। ज्यादा राजभवन जाने से मोदी जी ऐसे नेताओं को फिर राजभवन में ही बैठा देते हैं। पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने आगे कहा कि मैं चाहता था कि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बने, वे स्वाभाविक नेता है, लेकिन उन्हें नहीं बनाएंगे। अब नहीं बनाएंगे तो राठौड़ के पास भी राजभवन के अलावा कोई चारा नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।